तो दोस्तों यहाँ पर पबजी को रिसेंटली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी चर्चा चल रही है कि पबजी को बैन कर देना चाहिए इंडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी अभी रिसेंटली ये कहा, ये पबजी वाला है क्या? और इसके बाद से बस हर जगह मीम्स वगैरह फैले पड़े हैं कि पबजी ने ये कर दिया वो कर दिया, पबजी पता नहीं ज़िंदगी तबाह कर रहा है बच्चों की, एज इफ पहले तो सारे टॉप ही कर रहे थे। पर एनीवेज जोक को रहते साइड में, अगर आपको जानना है पबजी के कुछ बेनिफिट्स की क्या लाभ हो सकते हैं आपको ये गेम खेलने के, तो आप इस वीडियो में बने रहिए और बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पर बिना किसी तरीके सबसे पहले मैं बेनिफिट पे आ जाता हूँ। यहाँ पर जो हमारी पहले बेनिफिट आती है पबजी गेम को खेलने की, वो है हमारी डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। अब कॉग्निटिव स्किल्स को सरल भाषा में क्या कहते हैं? तो सरल भाषा में कॉग्निटिव स्किल्स मतलब होती है कि हमारी ब्रेन की लर्निंग कैपेबिलिटी और ब्रेन की नई चीज़ों को ग्रास्प करने की कैपेबिलिटी, ग्रास्प मतलब पकड़ना। तो अगर ये सब कैपेबिलिटीज़ आपको बढ़ानी है तो सिर्फ पबजी नहीं बल्कि बहुत सारे गेम्स, और डेफिनेटली गेमिंग में है तो पबजी भी एक बहुत बड़ा आप बेनिफिट दे सकता है। और बेनिफिट ये होगा पबजी का कि आप जो है ज़्यादा जल्दी चीज़ों को ग्रास कर पाएंगे, ज़्यादा जल्दी चीज़ों को लर्न कर पाएंगे, तो इन जनरल आपकी जो ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि आपको हर टाइम कुछ ना कुछ नया करना है। कोई भी गेम सिमिलर नहीं होते, हर टाइम आपको अलग अलग टाइप के ओपोनेंट्स मिलेंगे और ये ओपोनेंट्स आपको अलग अलग टाइप के चैलेंज करेंगे, अलग टाइप से मारेंगे या जो भी है, तो उससे आपकी क्या है ब्रेन की इन जनरल लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर आते हैं हम नंबर दो पे, और नंबर दो पे है हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन। अब ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत मस्त सा एक सुनने में लगता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन की सोचने की ताकत और फिर हाथ को उस हिसाब से काम करने की ताकत, ये जो है बढ़ जाती है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या है, हम आँख से चीज़ों को देख रहे हैं, वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हाँ मैंने ये देखा, फिर ब्रेन हाथ को बोलता है कि भाई तू जल्दी से ये कर, और फिर ये बेसिकली ऑब्वियस बात है ना, पबजी में हम जैसे ही देखा किसी को, हमको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है। अगर हम जल्दी जल्दी एक्शन नहीं लेंगे तो यहाँ पर हम मर सकते हैं, गेम हार सकते हैं, मतलब बहुत तरह तरह की चीज़ें। तो डेफिनेटली आप अगर इसको खेलते रहेंगे तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप जो है बहुत तेज़ी से जो है अपने आँखों से देखकर और रिएक्ट कर पाएंगे चीज़ों पे, और जल्दी से अगर सामने कोई ओपोनेंट आ गया तो उसको तुरंत मार सकते हैं। यहाँ पर जो अगली आती है हमारी बेनिफिट, वो भी इसी से रिलेटेड है, वो है हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स मतलब क्या होता है कि आपने मान लो जैसे प्ले एरिया कम हो रहा है, अगर आपने पबजी खेला है तो आपको डेफिनेटली पता है कि वहाँ पर कुछ प्ले जोन होता है जो एक छोटी सर्कल होती है जहाँ पर आप जिंदा रहेंगे, अगर आप उसके बाहर रहेंगे तो आप धीरे धीरे मरते रहेंगे। तो बेसिकली पॉइंट ये कि आपको वो वाइट सर्कल के अंदर रहना है और फिर बाकी ओपोनेंट्स को मारना है। तो अगर आप एक प्ले जोन के बाहर हैं या फिर प्ले जोन आपके पास आने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो आपको जल्दी जल्दी डिसीजन लेना है कि वहाँ से भागें या फिर लूटें घरों को, या फिर ओपोनेंट अगर खड़ा है तो उसको मारें कि उसको बाद में मारें और पहले हम अपने सेफ जोन में चले जाएँ। तो बहुत तरह तरह के डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं गेम के टाइम पर। और जैसा कि मैंने कहा, गेम जो है बहुत ज़्यादा डायनामिक है, यानी कि हर गेम हर टाइम आपको अलग अलग सिनेरियोज को फेस करना पड़ता है, तो आपको अलग अलग डिसीजन हैंड टू हैंड लेने पड़ते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप ये चीज़ बार बार दोहराएंगे तो आपका ब्रेन जो है उसको बहुत अच्छे से स्किल को सीख जाएगा और आप जो है फ्यूचर में लाइफ में भी जो डिसीजंस है वो बहुत जल्दी ले पाएंगे बिना ज़्यादा सोचे। तो ये एक बहुत अच्छी स्किल है जो हम डेवलप कर सकते हैं इसी पबजी गेम के थ्रू। अगली यहाँ पे एक बहुत मस्त सी एक बेनिफिट आती है, वो है बड़े चीज़ों को, बड़े जगहों को जल्दी से स्कैन करना। तो पबजी गेम में क्या होता है ना कि हम कोई एक जगह पर गए, वहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं। अब हमको क्या होता है, प्लेयर्स देखते हैं घरों को और जल्दी से देखते हैं कि कितने घरों के गेट्स खुले हैं बंद हैं, क्योंकि हमको जल्दी देखना होता है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। हो सकता है प्ले जोन कम हो रहा हो सकता है आसपास ओपोनेंट्स घूम रहे हो, चलने के निशान आ रहे हो, तो आपको वो घरों को देख के जल्दी से देखना होता है कि हाँ ये का गेट खुला है, मतलब ये सारे घर लूटे जा चुके हैं, जो बंद है उनके पास जल्दी हम भागते हैं, सामान लेना होता है और प्ले जोन कम हो रहा है तो हमको जल्दी भागना भी होता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, हमको काफ़ी बार बड़े बड़े जगहों का स्कैनिंग करना पड़ता है बहुत ही तेज़ी से। और अगर मान लो कि हम अगर एक खुली एरिया में भाग रहे हैं पबजी में और वहाँ पर हमारा कोई ओपोनेंट है जो आसपास भाग रहा है, तो हमको उतनी बड़ी एरिया में जो है बहुत जल्दी से हमको खोजना पड़ता है कि कहीं ओपोनेंट तो नहीं हो, फिर उसको मारना भी होता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, अगर आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे तो हमारी लाइफ में भी बहुत काम आ सकती है। कैसे काम आ सकती है मैं आपको बताता हूँ। मान लो टेबल पर 10 तरह की चीज़ें रखी है और मम्मी ने आपको बोला जल्दी से जा
टेबल के राइट कॉर्नर से या फिर नहीं बताया बस टेबल से जल्दी से एक ये सामान उठा के लिया। अब जो नॉर्मल नॉन गेमर होगा वो जाएगा, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा टेबल पे वो सामान खोजने के लिए, पर एक पबजी प्लेयर जो होगा ना, क्योंकि उसने पूरा छाना हुआ एरिया को बहुत जल्दी जल्दी, तो वो टेबल पे जाएगा, जल्दी से चीज़ों को खोजेगा, अपने आप उसका जो दिमाग है प्रोसेस करेगा जल्दी चीज़ों को, और उसको कंपेरेटिवली जल्दी वो सामान मिल जाएगा। तो यही है यहाँ पर स्कैनिंग ऑफ एरिया। यहाँ पर हम एक और बेनिफिट पे आते हैं, वो है हमारा फास्टर रिएक्शन टाइम। तो फास्टर रिएक्शन टाइम क्या होता है, इसको हम रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे अगर आपको कोई मारने वाला है, आप हाथ जल्दी से ऊपर कर देते हैं, या फिर आपकी तरफ कोई बॉल आ रही है और आप जल्दी से हाथ ऊपर कर देते हैं उस बॉल से बचने के लिए, मुंह साइड कर देते हैं, ये जो हम रिएक्शन करते हैं इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। और पबजी में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर रैंडम एक कहीं से गोलाबारी आपके ऊपर चालू हो जाए, अगर आपको लोग रैंडमली मारना चालू कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना होगा ना तुरंत, वरना तो आप गए खत्म, गेम ओवर। तो आपको डिसीजन लेना होता है जल्दी से। तो बेसिकली आपका रिफ्लेक्स टाइम जो है, यानी कि एक बार आपको गोली पड़ी तो आपको क्या करना है, आपकी हेल्थ के हिसाब से आपको जल्दी से भागना है या उसको शूट करना है, जो भी है, ये आपको बहुत जल्दी सोच के और एक्शन भी लेना पड़ता है। तो डिसीजन तो आपने जल्दी से ले लिया, पर उसके ऊपर आपको इनैक्ट भी तो करना पड़ेगा, और कितना जल्दी आप उस डिसीजन लेके इनैक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं हम यहाँ पर रिफ्लेक्स टाइम। तो ये डेफिनेटली पबजी हमारे को बढ़ाता है। अब इससे क्या हमको रियल लाइफ में फ़ायदा होगा, जैसा कि मैंने कहा, कोई आपकी चीज़ें तरफ आ रही है, कोई आपके तरफ कुछ फेंका, तो आपका रिएक्शन टाइम जल्दी होगा उसको कैच करने का, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो ये डेफिनेटली एक स्किल है जो हम रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब आखिरी स्किल ऐसी टेक्निकल तो नहीं है, पर ये एक बेनिफिट बोल सकते हैं पबजी का, कि अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और जो लोग सिंगल है वो डेफिनेटली अपने मोबाइल के साथ बैठ सकते हैं। तो आप सिंगल नहीं है, आपका पबजी सहारा बन सकता है और आप जो है दिन भर पबजी को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि दिन भर तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई भी चीज़ की अति हानिकारक होती है, तो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप ज़्यादा पानी क्यों ना पी लो, वो भी फिर हानिकारक है। तो वही है, कोई भी चीज़ वो ज़्यादा मत करना, अगर मॉडरेशन में कर रहे हैं, लिमिटेशन के साथ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पबजी के बेनिफिट्स भी हैं। और ये जो इतना बैन का चल रहा है, मैं इसके सपोर्ट में उतना ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो है ना खुद का सेल्फ कंट्रोल भी ब्लेम पे है कि क्यों लोग खराब रिजल्ट्स ला रहे हैं। ये पबजी का पूरा ब्लेम नहीं है, यहाँ पे लोगों के खुद डिसीजंस जो हैं, खुद जो सेल्फ कंट्रोल खो दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा अडिक्टिव हो जा रहे हैं। तो वही है, अगर आप में से देखने वाले भी कोई अडिक्टिव है गेम पे, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा आप मत करो, मतलब अडिक्शन कोई भी चीज़ की बुरी है। आप बस ये बेनिफिट्स को सोच के गेम खेलो, कुछ टाइम मॉडरेशन पे खेलो ब्रेन रिलैक्स करने के लिए, और फिर बाकी अपने नॉर्मल लाइफ के काम पे लग जाओ। तो बस हो गया आज की ज्ञान की बातें इतनी, बस मेरा लेक्चर इतना ही था, और होपफुली आपको ये बेनिफिट जो है कुछ सच लगे हो अपने लाइफ में भी, आप डेफिनेटली इनको यूज़ करके देखना। अगर सच में आपको लगा कि हाँ ये बेनिफिट्स हैं, तो आप डेफिनेटली नीचे वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे कर दीजिए, और दबा दीजिए उसके बगल का वो बेल आइकॉन, ताकि आप ऐसी कुछ वीडियोस देख सको सबसे पहले। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में।